नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम इंफोसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एवरेज पर पूछे गए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो एवरेज के जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इंफोसिस में उनको आप एवरेज नहीं एक्सपर्ट की तरह सॉल्व कर पाएंगे। बस 15 मिनट मुझे दे दीजिए आप एंड डेफिनेटली इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए भाई पहले क्वेश्चन पे स्ट्रेट अवे मूव करते हैं। क्या बोला गया, इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 135 एंड द डिफरेंस बिटवीन अदर्स इज 25 देन फाइंड अ लोवेस्ट नंबर। भाई इंफोसिस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भाई आपको क्या बोला, तीन नंबर्स का भाई एवरेज है। भाई मैंने मान लिया तीन नंबर्स एक्स वाई एंड जेड है, ऐसा मैंने मान लिया। भाई तीन नंबर का एवरेज, भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही एवरेज का फॉर्मूला होता है। तीन नंबर्स हैं भाई, तीनों नंबर्स का एवरेज निकाल देंगे भाई, क्या आ जाएगा, x प्लस y प्लस z अपॉन 3, तीन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या बोला, एवरेज दे रखा है 135 है, तो भाई मैं यहां पर क्या करूंगा, एवरेज की जगह आई विल राइट इट एज 135। ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि नंबर्स के बीच में डिफरेंस 25 का है, यानी अगर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो 25 का डिफरेंस आ रहा है, यहां से यहां तक जाऊंगा तो 25 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं कि x में मैं 25 ऐड करूंगा तो y मिलेगा और y में मैं 25 ऐड करूंगा तो z मिलेगा, राइट। अब यहां से आप एक चीज देखिए, x की वैल्यू मैं इधर लिखता हूं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 25, और इधर देखता हूं तो z की वैल्यू क्या है, y प्लस 25। एक बार रख देना ये वैल्यू भाई, 135 इज इक्वल्स टू x क्या दे रखा है, y माइनस 25, तो y माइनस 25 प्लस y को तो एज इट इज रख देंगे भाई, और z को भी क्या रख दिया, y प्लस 25। मैंने सब कुछ किसके टर्म्स में लिख दिया भाई, सारा का सारा y के टर्म्स में लिख दिया, डिवाइड बाय 3। सर ऐसा करने से क्या फायदा मिला, आप देखिए ये 25 से 25 कट गया, 135 is equals to y plus y plus y 3 y by 3 and 3 से 3 कट गया, 135 जो है वो मेरे y की वैल्यू आ गई, यानी जो मेरा सेंटर टर्म है वो निकल करके आ गया 135। आपसे पूछा है लोवेस्ट नंबर क्या है, लोवेस्ट नंबर x है, x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई आप क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को देख लो भाई, तो x is equals to y minus 25, y की वैल्यू 135 है, इसमें से 25 माइनस कर देंगे तो 110 निकल करके आ रहा है। आपका कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लोवेस्ट नंबर आपका 110 है। देखिए भाई यहाँ पर थोड़ा सा हमने कॉम्प्लीकेट बना दिया, जानबूझ के कॉम्प्लीकेट बनाया है, क्योंकि मैं आपको ना इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए भाई जब भी नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, यहां पर भी जो तीन नंबर थे x, y और z, इन तीनों नंबर के बीच में 25-25 का डिफरेंस था, है ना, तो ये बेसिकली x, y, z जो है वो AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब भी नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो दिल खुश हो जाएगा आपका। देखिए ये नंबर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं, है ना, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात आएगी हमको सेंटर मोस्ट टर्म तक पहुंचने की कोशिश करना है, और सेंटर मोस्ट टर्म ही हमारा एवरेज हो जाएगा। सर आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए भाई यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 है, इसका सेंटर मोस्ट टर्म क्या है, 4 है, तो एवरेज निकल करके आ गया 4 आपका, खत्म डायरेक्ट। अच्छा ये सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी है, तो अगर कभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का भी क्वेश्चन आ रहा है तो हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 का होता है। तो जब भी मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की भी बात कर रहा हूं तो भी आप सेम ट्रिक अप्लाई करोगे, सेंटर मोस्ट टर्म तक जाना है। अच्छा अब यहां पर आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे इवन है, 6 टर्म्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं यहां पर, तो अगेन भाई ट्रिक वही है, सेंटर मोस्ट टर्म तक जाओ भाई। 35 और 36 दो टर्म्स आ रहे हैं सेंटर में, क्या मैं इनके भी सेंटर में जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, इनके भी सेंटर में आप जाओगे तो आपको 35.5 मिलेगा, तो जो एवरेज निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, 35.5। तो भाई समरी क्या है, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आए या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आए, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपने क्या कर लेना है, सेंट्रल टर्म पकड़ लेना है, वही आपका एवरेज आ जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपको दो सेंट्रल टर्म मिलेंगे, मान लो ये C1 मान लिया, ये C2 मान लिया, दो सेंट्रल टर्म मिलेंगे, आपको क्या करना है, इन दोनों का एवरेज कर देना है ना, क्योंकि इनकी भी बीच की वैल्यू निकालना है तो एवरेज निकाल लो। तो भाई C1 की वैल्यू क्या है, 35 है, C2 की वैल्यू क्या है, 36 से बाई 2 करोगे
तो दिस विल टर्न आउट टू बी 35.5 ओनली, 71 बाय 2 इज 35.5 ओनली, ठीक है। अब यहां देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पांच हैं, ऑड हैं, तो सेंटर टर्म मिल ही गया 76, तो एवरेज आपका डायरेक्ट 76 आ गया। इधर देखो भाई सेंटर में दो टर्म है 54 और 56, अब 54 और 56 के बीच में क्या आता है भाई, 55 आता है, तो एवरेज डायरेक्टली ही 55 निकल गया। इधर देखो भाई सेंटर में 7 आ रहा है, तो एवरेज डायरेक्टली 7 आ गया। इधर देखो भाई अगेन ये मैं आपके लिए होमवर्क टास्क छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका एवरेज क्या निकल करके आ रहा है, आपका विद्यार्थी कर्तव्य है, ठीक है भाई। सर ये क्यों कराया, आप ये देखो तीन नंबर का एवरेज आ रहा है 135। अब ये तीन नंबर एक्स वाई जेड हैं और क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 25 है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और मैंने बोला जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो जो सेंटर टर्म होता है वही एवरेज के बराबर होता है, सेंटर टर्म ही एवरेज के बराबर होता है। तो अगर एवरेज 135 है तो क्या सेंटर टर्म 135 नहीं आ गया? अब जब सेंटर टर्म 135 आ गया, इसमें 25 कम कर दो, यानी 110 आपका छोटा वाला टर्म निकल के आ गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं था, 135 सेंटर टर्म आ जाएगा क्योंकि एवरेज है और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, उसमें से 25 माइनस कर देना था, आपका स्मॉलर टर्म, स्मॉलेस्ट टर्म जो है, लोवेस्ट टर्म निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा भाई, पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, बिकॉज मैं आपको ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा। एंड आपके लिए देखिए भाई प्रिंटेड सॉल्यूशन भी मैंने प्रेजेंट कर दिया ताकि मेरे बच्चों को टेंशन ना आए, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं भाई, अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इन अ कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम, भाई कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम में एक लड़के के नंबर जो है वो 99 टाइप होगा इंस्टेड ऑफ 69, भाई लड़के के तो मजे हो गए भाई, 99 टाइप हो गए 69 की जगह, इसकी वजह से जो एवरेज है क्लास का वो आधे से इंक्रीज हो गया, जो एवरेज मार्क्स है वो आधे से इंक्रीज हो गया। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है भाई, आपकी कॉपी में जितनी जगह बची हो सब जगह स्टार मार्क कर देना, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगेन आप भाई स्कूल कॉलेज में लॉकडाउन के बाद आप जा रहे होगे तो अमेजोन प्राइम, यू नो, गेम्स, लूडो, स्लीप, मीम्स, पबजी, नेटफ्लिक्स सब आपको याद कर रहे होंगे भाई। कैसे सॉल्व करना है देखिए, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाते हैं भाई, एक स्टूडेंट के मार्क्स 99 टाइप हो गए 69 की वजह, तो एरर कितना आया आप तो ये देख लो भाई, एरर कितना आया भाई, 69 टाइप होना था लेकिन 99 टाइप हो गया, यानी कि 30 मार्क्स का एरर आ गया। अब ये 30 मार्क्स प्लस में चल गए, ज्यादा नंबर आ गए भाई, 30 मार्क्स ज्यादा टाइप कर दिए, इस वजह से एवरेज हाफ से बढ़ गया, हर बच्चे का एवरेज हाफ से बढ़ गया। एवरेज हाफ से बढ़ने का मतलब क्या है, हर बच्चे के नंबर हाफ 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 से बढ़ गए। अच्छा अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को टोटल 30 नंबर बढ़ाने हैं जिसमें हर बच्चे के नंबर आधे आधे बढ़ाने हैं, तो मुझे कितने बच्चे लेने पड़ेंगे भाई? मुझे सर 60 स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर बच्चे के नंबर हाफ 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 से बढ़ाने हैं, तो अगर मैं हर बच्चे के हाफ 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 से नंबर बढ़ाऊंगा और 60 बच्चे होंगे तब जाके मेरे 30 नंबर बढ़ जाएंगे, समझ पा रहे हो ना? तो बस कुछ नहीं करना था, 60 स्टूडेंट्स आपका डायरेक्टली बाय लॉजिक, देखो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सबके मार्क्स आधे आधे से बढ़ाने थे, तो 60 स्टूडेंट्स होंगे और सबके मार्क्स में आधे आधे बढ़ाऊंगा तब जाके ओवरऑल 30 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। तो कितने लोग थे, 60 लोग आपके आ गए, इसीलिए हाफ से बढ़ा, 30 में हाफ आ गया, यानी 60 आपका आंसर निकल करके आने वाला है। चलिए भाई वेरी गुड, अगेन आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन में प्रोवाइड करने वाला हूं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो भाई अगेन अगर आपको लगता है अभी तक आप वीडियो के इस पॉइंट में आ गए, अगर आपको लगता है कि मैं आपका सब्सक्रिप्शन डिजर्व करता हूं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको क्या मिलेगा भाई, बैक टू बैक लाइव स्ट्रीम्स इस चैनल पर मिलेंगी, आपको जॉब अनाउंसमेंट्स मिलेंगी, आपको कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, टॉपिक वाइज कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर मिलेगी, एंड आपको एडवाइस भी मिलेगी फॉर प्लेसमेंट्स। चलिए वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं भाई। इंफोसिस में पूछा गया अगेन तीन बार, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, क्या दिया है, एवरेज स्कोर दिया है बॉयज का, किसी एग्जाम में लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, तो बॉयज का एवरेज स्कोर आपको 70 दिया है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर आपको 74 दिया है, और पूरे स्कूल का यानी बॉयज गर्ल्स का मिला के 72.6 आपको एवरेज स्कोर दिया है। आपको नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। मान लेता हूं मुझे नहीं पता, मैं ऐसा मान लेता हूं N1 मेरे बॉयज हैं टोटल, और गर्ल्स का भी मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं N2 मेरी टोटल गर्ल्स हैं। अब बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, गर्ल्स का एवरेज 74 दे रखा है, और इनका कंबाइंड एवरेज 72.6 दे रखा है भाई। अच्छा 70 एवरेज आ रहा है बॉयज का, तो मैं क्या ये मान सकता हूं हर लड़के के नंबर 70 है? आप इसको दूसरे तरीके से समझो, देखो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस,
है ना। अब यहाँ पर एवरेज लड़कों की बात करूं, लड़कों का एवरेज 70 दिया है ना, सारे लड़कों के सम ऑफ मार्क्स में निकाल रहा हूं, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं N1। तो अगर मैं सारे लड़कों के मार्क्स का सम निकालना चाह रहा हूं तो क्या निकल करके आ जाएगा, 70N1। ये बॉयज का सम निकल करके आ गया। अब जितने भी बॉयज हैं उन सब ने मिलकर के 70N1 मार्क्स निकाले हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, सिमिलर चीज है भाई, 74 रख दूंगा 70 की जगह, तो 74N2 जो है वो गर्ल्स के मार्क्स का सम निकल गया भाई। आपको पूरी क्लास का एवरेज निकालना है, तो पूरी क्लास का एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल मार्क्स तो चाहिए पड़ेंगे ना भाई, कितने टोटल मार्क्स निकालने हैं भाई गर्ल्स और बॉयज ने मिलकर, और कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये चाहिए पड़ेगा भाई। अब आप देखो भाई, पूरी क्लास का एवरेज आपको दे रखा है 72.6, टोटल मार्क्स कितने हो गए, लड़कों ने भाई 70N1 बनाए हैं, लड़कियों ने 74N2 बनाए हैं। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, N1 बॉयज हैं, N2 गर्ल्स हैं, तो N1 प्लस N2 आपके टोटल स्टूडेंट्स हो गए। ये इधर आ जाएगा भाई 72.6 N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 70N1 प्लस 74N2। भाई अगली स्लाइड पर लिख देता हूं क्या आया, 72.6 N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 70N1 प्लस 74N2। डीकोड कर लो इसको भाई, ये आ जाएगा 72.6 N1 प्लस 72.6 N2 इज इक्वल्स टू 70N1 प्लस 74N2। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, फॉर एग्जांपल मैं N1 को इधर ले लेता हूँ, N2 को इधर ले लेता हूँ, तो 72.6 N1 माइनस 70N1 इज इक्वल टू 74N2 माइनस 72.6 N2, राइट। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2.6 N1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 1.4 N2 आपका निकल के आ जाएगा। आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो N1 जो थे वो मेरे बॉयज थे और N2 जो थी वो मेरी गर्ल्स थी, और आपसे क्या पूछा है, N1 by N2 का रेशियो पूछा, नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स पूछा है, तो N1 by N2 निकालना है अपन को, तो ये आ जाएगा 1.4 by 2.6 यानी 14 by 26, इसका आधा कर दो यानी 7 by 13। कोई ऑप्शन है क्या 7 by 13 जैसा, जी हाँ, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये भाई तरीका नंबर 1 है, इसके मैं और मेथड्स बताऊंगा, लेकिन इसका जनरलाइज्ड केस बताता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। जनरलाइज्ड केस क्या भाई, एक क्लास है, ठीक है, एक स्कूल है, मान लो एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारी क्लासेस है, मान लो एक क्लास में N1 स्टूडेंट्स है, इन N1 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स X1 आ रहे, दूसरी क्लास में N2 स्टूडेंट्स है, X2 एवरेज मार्क्स है, तीसरी क्लास में N3 स्टूडेंट्स हैं, X3 एवरेज मार्क्स हैं, सो ऑन सो ऑन। मान लेते हैं अपन P क्लासेस हैं, तो NP स्टूडेंट्स हैं Pth क्लास में और XP इनका एवरेज, और आपसे पूछा जाए पूरे स्कूल का एवरेज क्या होगा, तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट विल बी N1X1 प्लस N2X2 प्लस N3X3 प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ NPXP अपॉन, यहां पर आप देखो, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टिल NP। अगर आप गौर से देख रहे हो तो N1 X1 क्या है, N1 बच्चे हैं एक क्लास में, X1 एवरेज मार्क्स है, तो ये पहली क्लास का सम आ गया मार्क्स का, ये दूसरी क्लास का सम आ गया मार्क्स का, ये तीसरी क्लास का सम आ गया। सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये सारी क्लासेस के सम आ गए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपका एवरेज मार्क्स निकल के आ गया। अगर आपने यहां पर गौर किया हो तो यहां पर क्या था, N1 N2 हो गया, ये X1 X2 की वैल्यूज हो गई, और आपने क्या रखा है, देखो जरा, N1 X1 N2 X2 अपॉन N1 प्लस N2 रखा है, वही वेटेड एवरेज जो है वो निकल करके आ रहा है। फॉर्मूला लगा करके आप आंसर निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। अगेन एक और तरीका है, देखिए भाई, जितने लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन मुझसे पढ़ रखा होगा उनको पता होगा, एलिगेशन रूल भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर आपको नहीं समझ में आएगा टेंशन मत लेना, मेरे साथ रहना भाई, आपको सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, एलिगेशन रूल में हमको क्या करना रहता है, जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजों का वेटेड एवरेज निकालते हो या मिक्स करते हो, तो एलिगेशन रूल आप यहां पर लगा सकते हो। अब आप यहां पर ध्यान देना, बॉयज का एवरेज है 70 लिख दिया भाई, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मान लो मैं बॉयज लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड में मान लो मैं गर्ल्स लिख रहा हूँ, बिकॉज गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, ठीक है, चलो भाई ऐसा, क्योंकि पापा की परी हो रखी होती है। तो 70 बॉयज के मार्क्स है, 74 जो है गर्ल्स के मार्क्स है, 72.6 जो है वो एवरेज मार्क्स है। तो भाई आप इसको इस तरीके से एक्स बना देते हैं, एलिगेशन रूल बना देते हैं। अब अपन क्या करते हैं भाई, ऐसे शक्तिमान वाला आइकन बनाते हैं भाई,
शक्तिमान वाला आइकन बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो जरा गौर से, शक्तिमान वाले आइकन में ये एक ऑर्बिट बन गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, तो 74 में से 72.6 माइनस कर दिया, इधर भी बड़े में से छोटा माइनस करूंगा और इधर लिख दूंगा, तो यहाँ मैंने 72.6 में से 70 माइनस कर दिया, तो नाउ दिस विल टर्न आउट टू बी 1.4 एंड दिस विल टर्न आउट टू बी आपका क्या 2.6, तो यानी बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया 1.4:2.6, तो बॉयज बाय गर्ल्स क्या आ गया 1.4:2.6, यानी अगेन 14:26, यानी अगेन 7:13, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एलिगेशन रूल से भी आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो, तो मैंने आपको सारे के सारे तरीके बता दिए, अगेन आपको प्रिंटेड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर दिया है। राइट, चलिए भाई अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। भाई एमएस धोनी का एवरेज जो है फर्स्ट 50 इनिंग्स में वो 50 दे रखा है, और 51st इनिंग्स के बाद एवरेज इनका 51 हो जाता है, तो इन्होंने 51st इनिंग में कितने रन बनाए आपको ये बताना है। ये हाल ही में इंफोसिस 2022 में ये सवाल पूछा गया था। भाई एक बार देखते हैं, भाई देखिए इसका कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। कन्वेंशनल मेथड क्या है भाई, 50 इनिंग में 50 रन बनाए हैं, तो भाई एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो टोटल कितने रन बनाए हैं अपन ये देख लेते हैं। तो 50 एवरेज आ रहा है 50 इनिंग्स का, राइट, कितने रन्स बनाए वो निकालने हैं अपॉन 50, तो जहां से जो सम की वैल्यू आ गई वो आ गई 50 × 50, यानी कि फर्स्ट 50 इनिंग्स में 2500 रन इन्होंने बना दिए फर्स्ट 50 इनिंग्स में। अब 51st इनिंग के बाद एवरेज इनका 51 हो जाता है, दोबारा कैलकुलेट करो, एवरेज अब 51 हो चुका है, ये मैंने 50 इनिंग्स का सम निकाला है, अब मैं 51 इनिंग्स का सम निकाल रहा हूं, टोटल 51 इनिंग्स में कितने रन बनाए, तो अभी तक 50 इनिंग्स में कितने रन बनाए वो निकाल लूंगा, टोटल 51 इनिंग्स तक कितने रन बनाए वो निकाल लूंगा। मान लो 50 इनिंग्स तक इन्होंने 2500 रन बनाए, फॉर एग्जांपल 51 इनिंग्स तक टोटल मान लो 2650 रन बनाए फॉर एग्जाम्पल, तो भाई कितने रन बढ़ गए, 150 रन बढ़ गए, कौन सी इनिंग में आए होंगे, 51st इनिंग में आए होंगे, तो यही मैं करने वाला हूं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज व्हाट 51, तो यहां से सम ऑफ 51 इनिंग्स कितना निकल करके आ गया 51 × 51, दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट आपका यहां पर ये आ जाएगा 2601, राइट, ये 51 इनिंग्स का समय, 50 इनिंग्स तक 2500 रन थे, 51 इनिंग्स तक 2601 है, तो 51st इनिंग में कितने रन होंगे, 2601 में से 2500 में माइनस कर दूंगा, यानी 101 रन इनने बनाए होंगे धोनी साहब ने अपनी 51st इनिंग में। तो अगेन भाई ये क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एवरेज में, आपको इसका यूज नहीं करना, आपको चलाना है अपनी बुद्धि, भाई भगवान ने बुद्धि दे रखी ना, आप ये सोचो 50 इनिंग का एवरेज 50 था, 51st इनिंग के बाद मेरा एवरेज हो गया 51, तो 51st इनिंग में कितने रन बनाएंगे। अच्छा आप इसको ऐसे समझो, स्टार्टिंग की 50 इनिंग्स में मान लो हर इनिंग में धोनी साहब 50 रन बनाते जा रहे थे, ये इनकी 50th इनिंग थी, 50th इनिंग में भी मान लो इन्होंने 50 रन बना दिए, अब 51st इनिंग हो गई, इन्होंने कुछ तो कमाल किया इस इनिंग में कि पूरा एवरेज उठकर ही 51 हो गया, एवरेज का मतलब हम मान सकते हैं हर पारी में इतने रन, तो यानी हर पारी में इन्होंने 51 रन्स बना लिए होंगे और आखिरी इनिंग में भी 51 बनाए होंगे, क्योंकि एवरेज 51 चाहिए, तो 51 तो ये बनाए ही होंगे क्योंकि 51 एवरेज चाहिए, लेकिन ये सारा डेटा भी कंपनसेट करना है, यानी हर डेटा में एक एक वैल्यू बढ़ी है, कितनी बार बढ़ी है, 50 बार बढ़ी है, तो 50 और ऐड करके टोटल 101 रन इन्होंने बनाए होंगे, कौन सी इनिंग में, अपनी 51st इनिंग में, समझे ना, 51 तो बना नहीं, क्योंकि एवरेज 51 मेंटेन करना है, लेकिन बाकी 50 पारियों में भी एक एक एवरेज बढ़ गया है, ये 50 नंबर ज्यादा, यू नो 50 रन ज्यादा बना लिए होंगे, तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अगेन आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, और एक क्वेश्चन आपका विद्यार्थी कर्तव्य, भाई होमवर्क क्वेश्चन इन्फोसिस 2015 में पूछा गया था, कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर चाहिए सभी बच्चों से भाई, और वीडियो को इस पॉइंट तक आ चुके हो तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके ये बताएं आपको किस कंपनी की प्रिपरेशन करनी है, किस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।